गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर किया था। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो आप इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर सच दैट इट्स 2/5 इज 12। याद रहा, फाइंड द नंबर सच दैट इट्स 2/5 इज 12। क्वेश्चन भी फाइंड नंबर सो दैट्स दैट इट्स 2/5 इज 12। ये करेंगे हम 2/5 है किसका, 12 का। 12 इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो हमें आपके क्या क्या करना है आगे आपको मालूम है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। ये 12 मल्टीप्लाई 5/12 इज इक्वल टू 60, और सॉरी 2 क्या आया, 30। नंबर क्या आया, 30। ओके, अगला कितना है, 2/5 2/5 2/5। 12 मल्टीप्लाई तो अब मैंने क्या बोला, इसको चेंज कर देंगे, उसको बाहर में आ रहा है, ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड से नहीं लगा सकते हैं, यानी कि 12 डिवाइड 2/5। ओके, तो ये आप नोट कर लें। और जब चेंज किया हमने, नीचे एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों, एक्सचेंज हो गए 12 मल्टीप्लाई 5/2 और 12/60 डिवाइड किया 30 हो गया, क्या आया 30। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। 7 में क्या करना है आपको, पर इसको रीड करते हैं ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16/9। इफ वन ऑफ द नंबर्स 5/2, फाइंड द अदर नंबर। कैसे करोगे बताओ, इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको ही करना है सब कुछ। द प्रोडक्ट टू नंबर्स, प्रोडक्ट क्या होता है, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई। इफ वन ऑफ नंबर्स इज क्या है 5/2, यानी एक नंबर दे रखा है 5/2, फाइंड अदर नंबर्स। तो क्या करेंगे हम, 5/2 का डिवाइड कर देंगे 16/9 में। ओके, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने अदर नंबर आएगा, दूसरे नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ही हो जाएगा आपका। क्या करना है, मैंने अभी दोबारा समझा देता हूँ। प्रोडक्ट हो रहा है, टू नंबर्स ये आ गया और नंबर्स ये है, तो इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो आपका अदर नंबर आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो जाएगा आपका। क्या करना है इसमें, ए रोप ऑफ लेंथ 3/5 meter has been divided into 6 pieces, क्या करना है, ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब क्या करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, मतलब यानी कि प्रत्येक पीस की लेंथ बतानी है आपको, बतानी है।
आप क्या करेंगे? ये है एरोप्लेन, लिखेंगे आप एट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है नाइन्थ क्या है? 3 3 5 है। अब कितने पीस बनते हैं? 6। तो आप क्या करेंगे? हम एरोप्लेन इतना कितने बनते हैं? 6 पीस इक्वल। टोटल इक्वल पीस 6। अब इसमें क्या पूछ रहा है? पोलोनियम द लेंथ, द लेंथ ऑफ ईच पीस क्या करेंगे हम इसका? 3 3 5 डिवाइडेशन 6 क्या करेंगे? 3 3 5 6। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका? इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, मैं समझा रहा हूँ आपको, नोट सेल्फ सॉल्व करना है आपको। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? 6 1/3। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज, इतने रुपए में कितनी नोटबुक आएंगी? तो इसका डिवाइड इसमें कर देना। ओके इसका डिवाइड दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 126 2/3 डिवाइडेशन 6/3 इस टाइप से, ठीक है 6। अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 10, 10 में क्या है? 10 में है आपका वाई व्हाट नंबर, नंबर हमें निकालना है कौन सा? शुड 10 2 y 3 वी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 20, जिससे डिवाइड करें हम तो क्या आए? 20 आए। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें? अब इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, इसमें 20 में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है? पहले नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज इक्वल किसके है? बराबर 5/4 के। इसमें क्या कर रहे हो आप? 11 में भी मैं समझा देता हूँ, 5/4 इज इक्वल टू 2/3 कर लोगे, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज फिनिश और आगे चैप्टर भी फिनिश, तो एक्सरसाइज भी फिनिश, ये चैप्टर भी फिनिश, ये आपने आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके सेल्फ सॉल्व करने हैं और नोटबुक नोट करने हैं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, और बुक्स हैं जिनके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब तक मेरा वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो सभी उसको कंप्लीट करें।